हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या सावधानियां किसी को बरतना चाहिए जिससे कि इस प्रोसीजर के बाद रिकवरी अच्छी रहे और दर्द और डिस्कम्फर्ट कम से कम रहे या मिनिमाइज रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि इस प्रोसीजर के बाद अगर आपके मुंह में आपके डेंटिस्ट ने कॉटन लगाई है, आपको यहाँ क्लिनिक से घर जाते टाइम कॉटन लगा करके भेजा है, तो आप आधे घंटे बाद घर पहुंचकर ये कॉटन को हटा सकते हैं। ये कॉटन इसलिए होती है कि जो ब्लड वहाँ से आ रहा है वो प्रेशर से दब जाए और वो ब्लड वहाँ से आना बंद हो जाए। घर पहुँच के आप कॉटन हटाने के बाद में कुछ भी ठंडा ले सकते हैं खाने या पीने का, जैसे आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई अच्छा शेक ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं जिसमें अच्छी शुगर हो, तो उससे थोड़ा एनर्जी मिलती है और जो प्रोसीजर कराने से थक जाते हैं उससे हम थोड़ा अच्छा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। डायबिटिक लोग अपनी जितनी उनको परमिटेड है शुगर उस हिसाब से ही शुगर डलवाएँ। इसके बाद दोस्तों, पहले 24 घंटे में फॉर फर्स्ट 24 आवर्स आपको ये चाहिए कि आप उस एरिया की जहाँ पर ये प्रोसीजर हुआ है वहाँ पर आप बाहर से बर्फ से सिकाई करें। ये आपको फॉर फर्स्ट 24 आवर्स करना है कम से कम 4 से 5 बार, दो दो तीन तीन मिनट के लिए। कोई भी घर में आप आइस पैक ले सकते हैं या कोई ठंडे पानी की बॉटल से या किसी भी ठंडी चीज़ से आप बाहर से बर्फ से सिकाई घर में कर सकते हैं फॉर फर्स्ट 24 आवर्स 4 से 5 बार, दो दो तीन तीन मिनट के लिए। 24 घंटे के बाद में ठंडी सिकाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ नॉट नीडेड। रादर आई वुड से कि 24 घंटे के बाद में सिकाई नहीं करनी है। सेकेंडली, फॉर फर्स्ट 24 आवर्स दोस्तों स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है। किसी भी मुंह के अंदर के प्रोसीजर के बाद, चाहे वो इम्प्लांट लगाया हो, चाहे वो दांत निकलवाया हो या मुंह के अंदर हमने कोई भी प्रोसीजर किया हो, तो हमें फॉर फर्स्ट 24 आवर्स उसके बाद में स्पिट नहीं करना चाहिए। हम स्पिट नहीं करते हैं तो जो ब्लड का क्लॉट वहाँ पर बना है वो अपनी जगह मजबूत हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है और फ्यूचर में कभी वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती और हीलिंग फटाफट से हो जाती है। थर्डली, फॉर फर्स्ट 24 आवर्स आपको कुछ बहुत गरम गरम नहीं लेना है, जैसे कि बहुत गरम चाय या कॉफ़ी या एनीथिंग जो बहुत हीटेड हो या हॉट हो वो नहीं लेना है। जो भी गरम चीज़ें हैं उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे करके थोड़ा ठंडा करके फिर आप ले सकते हैं। एक दो दिन थोड़ा नरम खाना लें जिससे कि जो स्ट्रेन हमारी मसल्स पे आया है वो मसल्स को रिलैक्स होने में मदद मिले और हम नरम खाना चबाएँ तो आसानी से हम उसे बिना डिस्कम्फर्ट के ले पाएँ। तो अब हमें अगले दिन जो ब्रश करना है वो हमें बहुत ही जेंटली रिंस करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें 24 आवर्स तक स्पिट नहीं करना है, तो अब आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रश करेंगे तो आप बहुत ही जेंटल तरीके से रिंस करेंगे, उसके अगले दिन से आप नॉर्मल ब्रशिंग रिज्यूम कर सकते हैं या करना ही है। जो भी मेडिसिंस आपको डेंटिस्ट ने बताई है, जिसमें कि एंटीबायोटिक होती हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल की होती हैं या पेन किलर्स होती हैं, मल्टीविटामिन होती हैं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो कुछ एसिडिटी की भी हो सकती हैं, तो जो भी 3-4 मेडिसिंस इस जनरली इन प्रोसीजर्स के बाद में प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो आप एज इट इज़ लें और वो कोर्स को पूरा करें जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल रहे और दर्द कम से कम हो और रिकवरी जल्दी से जल्दी हो। दोस्तों, स्मोकिंग इस पूरे प्रोसीजर के बाद जब तक कि पूरी तरह से हीलिंग नहीं हो जा रही है स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन भी इन दवाइयों के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ एंटीबायोटिक के साथ अल्कोहल लेने से कुछ ऐसी अनवांटेड रिएक्शंस हो जाती हैं जिनको कि मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो अल्कोहल शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड अलॉन्ग विथ दीज मेडिकेशंस विच यू आर टेकिंग आफ्टर द इम्प्लांट सर्जरी। जो इस प्रोसीजर के बाद में अगर स्टिच लगाए गए हैं, स्टिचेस, कुछ कुछ प्रोसीजर के बाद हमें एक दो छोटे छोटे स्टिच कभी कभी लगाना पड़ते हैं, तो अगर ये स्टिच लगाए हुए हैं तो इन स्टिचेस को हम 7th डे पे कट करते हैं। एक दो दिन आगे पीछे चलता है, आप अपनी कन्वीनियंट से, कंफर्ट से इन स्टिचेस को एक हफ्ते बाद कट करा सकते हैं। थोड़ी बहुत स्वेलिंग फ्रेंड्स इस प्रोसीजर के बाद एक्सपेक्टेड होती है, थोड़ा दर्द होना, थोड़ा मुँह कम खुलना, ये सब चीज़ें इस तरीके के प्रोसीजर के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जब भी मुंह के अंदर कोई काम करते हैं, स्पेशली हम बोन में जब कोई काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि हमने जो बोन में ये इम्प्लांट डाला है या कहीं बोन कट करी है वो हमारे फ़ायदे के लिए हमने इंटेंशनली करी है। हमारी बॉडी के लिए ये एक तरीके की बोन की इंजुरी है, तो बोन की इंजुरी अगर किसी को होगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? थोड़ी सूजन होगी, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा मुँह कम खुलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं और दवाइयाँ अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो ये सब चीज़ें मिनिमाइज रहेंगी, 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएंगी और आप आसानी से इस चीज़ से रिकवर कर सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहले 24 घंटे के लिए कुछ बहुत गर्म ना लें, आप स्पिट ना करें, थूके ना, और बाहर से बर्फ की ठंडी सिकाई करें।
तो ये डिस्कम्फर्ट को हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप इस प्रोसीजर के तीसरे दिन से आफ्टर 48 to 72 आवर्स आप वॉर्म सलाइन रिंसेस कीजिए। वॉर्म सलाइन रिंसेस का मतलब होता है हल्के कुनकुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे गार्गल्स करना या कुल्ले करना या रिंस करना। इससे वो एरिया बहुत जल्दी हील हो जाता है, वहाँ पे स्टिचेस अगर होते हैं तो वो स्टिचेस साफ़ रहते हैं और वहाँ से स्वेलिंग भी सबसाइड होने में या कम होने में मदद मिलती है नमक के पानी से कुल्ले करने से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आई हैं कि डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बाद में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या सावधानियां हैं, और इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो कि जैसा कि मैंने बताया तो आपकी रिकवरी बड़ी फटाफट होगी, अच्छी होगी, और जो डिस्कम्फर्ट है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के बाद वो मिनिमाइज रहेगा। इससे जुड़ी अगर और कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।